बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग ग्रेन्युलोसाइट से हम शुरू करते हैं। तो हम ग्रेन्युलोसाइट्स किसे कहते हैं? द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के वाइट ब्लड सेल्स को भी कहते हैं, इन विच ग्रेन्युल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड ग्रेन्युलोसाइट। तो हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स की ल्यूकोसाइट्स की वो टाइप जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्युल्स मीन दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। तो हम ग्रेन्युलोसाइट्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव मैनी न्यूक्लियाई विद डिफरेंट शेप्स। क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं कि मैनी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, और जो न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट शेप्स के अंदर उसके अंदर मौजूद होता है। तो हम कहते हैं जो ग्रेन्युलोसाइट्स की एग्जाम्पल है कौन सी है? न्यूट्रोफिल, ओसिनोफिल एंड बेसोफिल बिलोंग्स टू ग्रेन्युलोसाइट। अब आ जाते हैं हम एग्रेन्युलोसाइट्स पर। तो हम कहते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स किसे कहते हैं? द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स इन विच ग्रेन्युल्स आर एब्सेंट इन द साइटोप्लाज्म। हम कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स की या ल्यूकोसाइट्स की वो टाइप जिसके अंदर ग्रेन्युल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर एब्सेंट होते हैं, मीन्स नहीं होते, उसे हम कहते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर बिकॉज दे हैव सिंगल न्यूक्लियस। क्योंकि हम इनको मोनो न्यूक्लियर कहते हैं, मोनो कहते हैं एक को, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। जबकि हमने कहा ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं पॉलीमॉर्फोन न्यूक्लियर होते हैं, मीन्स कि उनके अंदर बहुत से न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, और ये क्या होते हैं मोनो न्यूक्लियर होते हैं, मीन्स इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। इसकी एग्जाम्पल होगी मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स बिलोंग टू एग्रेन्युलोसाइट्स। फिर आगे न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल क्या ये ग्रेन्युलोसाइट्स में है, हमने ऊपर पढ़ा है ऑलरेडी, एंड मोनोसाइट क्या है वो एग्रेन्युलोसाइट यहाँ पर हमने पढ़ा है, ये आप लगा लिखा हुआ है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। और फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिक मीन्स कि ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं अपने अंदर। वेयर एज लिम्फोसाइट्स ऑसिनोफिल एंड बेसोफिल प्रोड्यूस करते हैं एंटीटॉक्सिन, और वो एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं तो उनका नाम क्या है हिस्टामाइन एंड हेपरिन। अब जो एंटीटॉक्सिन है हिस्टामाइन एंड हेपरिन, ये क्या करते हैं कोई भी अगर पॉइजनस चीज़ या पॉइजनस चीज़ जो हमारे फूड के अंदर किसी और चीज़ के अंदर मौजूद होती है तो जो एंटीटॉक्सिन है हिस्टामाइन एंड हेपरिन उसको किल कर देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम के जरिए आप सुनने की कोशिश करूँगा कि वाइट ब्लड सेल्स या हम इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये देखें, ये आप बताए ग्रेन्युलोसाइट्स और ये क्या है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या आते हैं न्यूट्रोफिल और ओसिनोफिल और बेसोफिल। अब न्यूट्रोफिल क्या है, न्यूट्रोफिल क्या करता है ये फेगोसाइटिंग का बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन, ये बैक्टीरिया और दूसरे जो पैथोजन होते हैं उनको क्या कर लेते हैं इनगल्फ कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं अपने अंदर। और आगे ओसिनोफिल, इससे काम क्या है कंट्रोल मैकेनिज्म्स एसोसिएटेड विद एलर्जी, वो उन मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करता है जो कि एलर्जी से रिलेटेड या उनके साथ मुसलिक होते हैं, तो उनको कंट्रोल क्या करते हैं ओसिनोफिल क्या कहते हैं कंट्रोल करते हैं। फिर आगे बेसोफिल, बेसोफिल क्या करता है कंटेन हिस्टामाइन एंड हेपरिन, या हमने एग्रेन्युलोसाइट्स में पढ़ा है ऑलरेडी के एग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जिसे हमने कहा था हिस्टामाइन एंड हेपरिन। अभी क्या करते हैं किसी भी पॉइजनस चीज को क्या करते हैं ये किल कर देते हैं बेसोफिल्स। यहाँ पर आपको दिखाया है कि हिस्टामाइन रिलीजेस फ्रॉम द बेसोफिल, ये यहाँ से कि एक्सक्रीशंस ये रिलीज हो रही हैं। अब हम आ जाते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स में। तो हमने पढ़ा एग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट मौजूद होता है और लिम्फोसाइट मौजूद होता है। तो हमने पढ़ा था एग्रेन्युलोसाइट्स में के मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जो होते हैं फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। तो ये देखिए आप मोनोसाइट है ये फेगोसाइटिक है, ये देखिए ये डिफरेंट पैथोजेंस को अपने अंदर इनगल्फ कर रहा है, ये इनगल्फ करेगा तो उनको अपने अंदर निकल लेगा। और आगे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में हमने पढ़ा है कि ये एंटीटॉक्सिन सिक्रीट करता है, इसके अंदर भी ये देखिए आप सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज क्या सिक्रीट करता है और ये एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस मीन्स ये कुव्वत मुदाफियत प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट द डिफरेंट डिजीजेस। फिर आगे फेगोसाइट्स, क्या हम फेगोसाइट्स किसे कहते हैं ये आ गया।
अब दे आर टाइप ऑफ सेल विद इन द बॉडी कैपेबल ऑफ इनगल्फिंग एंड अब्सॉर्बिंग बैक्टीरिया एंड अदर स्मॉल सेल्स एंड पार्टिकल्स। के एक सेल होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर होता है और हमारी बॉडी के अंदर उस सेल को ये अहलियत, ये काबिलियत हासिल होती है कि वो स्मॉल सेल्स को, पार्टिकल्स को और जो एब्जॉर्बिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने की, इनगल्फ करने की, अपने अंदर निकल लेने की अहलियत रखता है, तो उसे हम कहते हैं फेगोसाइट्स। हम कहते हैं फेगोसाइट्स ये किस तरह डिफरेंट चीज़ों को अपने अंदर इनगल्फ कर देता है, तो हम कहते हैं दे कलेक्ट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन की जगह पर क्या होते हैं, कलेक्ट, जमा हो जाते हैं और क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं और इंजेस्ट करते हैं एंटीडाइजेस्टिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, और जो हार्मफुल, जो ख़तरनाक बैक्टीरिया होते हैं उनको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं जब ये हार्मफुल बैक्टीरिया को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, किस मकसद के लिए, ये इस मकसद के लिए बिकॉज दे प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू आउट द बॉडी, कि हमारे पूरे बॉडी में, जिसम में इन्फेक्शन को फैलने से बचाते हैं। कौन, फेगोसाइटिक सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स एट्सेट्रा हो गए। अभी देखिए आपको फेगोसाइटोसिस की डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये फेगोसाइट सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पर रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं जो किसी चीज़ को अपने अंदर मौसूल करते हैं, खींचते हैं। तो ये देखें ये पैथोजन है जो कि डिजीज कॉज कर सकता है। अब इस पैथोजन के साथ ये प्रोटीन्स डेवलप हो रही हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर दूसरे स्टेप में कि द पैथोजन इंटरैक्ट्स विद द फेगोसाइट रिसेप्टर, कि यहाँ पर जो रिसेप्टर मौजूद थे वो इस पैथोजन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। देखिए आप बता रहे हैं कि ये रिसेप्टर सेल्स इनको खींच रहे हैं अपनी तरफ। फिर आगे देखें फिर क्या होगा, स्टेप थ्री में द फेगोसाइट पैथोजन इन्वॉल्व्स, कि जो पैथोजन होता है फेगोसाइट के अंदर क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। जब वो इन्वॉल्व हो जाता है तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है, सेक्रेशन शुरू कर देता है। अब जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो इस पैथोजन को डाइजेस्ट करने में, उसको ब्रेक डाउन में ये हेल्प करता है लाइसोजाइम एंजाइम। फिर आगे देखे ये फेगोसोम मौजूद है डाइजेशन ऑफ पैथोजन, क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज होना शुरू हो चुका है और लाइसोजोम जो होगा वो ब्रेक डाउन में यहाँ पर हेल्प कर रहा है उसकी। फिर आगे देखें यहाँ पर एक चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसे एम एच सी, मतलब के मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कम्प्लेक्स, यहाँ पर आपको नजर आई बन गया है। फिर क्या कहते हैं द पैथोजन ब्रेक्स डाउन इनटू प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स, जो पैथोजन इसके अंदर मौजूद होता है जो कि फेगोसाइट उसको अपने अंदर ले जाता है, वो अब ब्रेक डाउन टूट जाता है प्रोटीन्स के अंदर और दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर। जब वो पैथोजन टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर क्या पैदा हो जाता है, जो एमएचसी जो कि मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कम्प्लेक्स बनाता है वो रिलीज हो जाता है और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो उस फेगोसाइट सेल्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर वहाँ पर एंटीजन प्रोड्यूस हो जाती है। अब एंटीजन जो होती है हमारी बॉडी को रिजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द डिफरेंट डिजीजेज, और हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है डिफरेंट डिजीजेज के अगेंस्ट। ये देखें अडेप्टिव स्पेसिफिक इम्यूनिटी, हमारे के हमें कोई अटैक करने वाली आ रही थी कोई जम्स वगैरह तो वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर आगे लिम्फोसाइट्स, कि हम लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, ये डेफिनेशन आ गई, अ फॉर्म ऑफ स्मॉल ल्यूकोसाइट, कि एक स्मॉल ल्यूकोसाइट की एक शक्ल, ल्यूकोसाइट हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, विद अ सिंगल राउंड न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है एक सिंगल राउंड न्यूक्लियस मौजूद है। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि एक सिंगल राउंड न्यूक्लियस मौजूद है। अब कहां पर मौजूद होता है ये, अकरिंग Especially in the lymphatic system, क्या हमारा जो lymphatic system होता है जिसमें different vessels वगैरह मौजूद होती हैं, तो उस lymphatic system में ये produce होता है वहाँ पर, which produce antibodies, जो कि वहाँ पर antibodies means proteins को produce करता है, जो हम already पढ़ चुके हैं, जो कि हमें different diseases के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत provide करते हैं। ये देखिए lymphocytes की diagram है आपकी। फिर आगे platelets, जो हम platelets किसे कहते हैं, हम कहते हैं प्लेटलेट्स आर इरेगुलर सेल फ्रेगमेंट्स, जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बेतरतीब इरेगुलर सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल के फ्रेगमेंट। ये देखें आप नजर रही है इरेगुलर है, देखें यहाँ पर इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी निकल रही हैं, ठीक है ये इरेगुलर है। फिर आगे दे हैव नॉन न्यूक्लियस,
प्लेटलेट्स का कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और ये कहाँ पर पैदा होते हैं, बनते हैं प्रोड्यूस विद इन बोन मैरो, कि बोन मैरो के अंदर बनते हैं। फिर हम कहते हैं दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, के ब्लड के क्लॉटिंग में मीन के खून के जमने में भी ये हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, कौन, प्लेटलेट्स। फिर आगे फंक्शन ऑफ ब्लड, कि जो ब्लड होता है हमारे अंदर उसके जो फंक्शन होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो ब्लड परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच आर गिवन बिलो, जो दिए गए हमारे अंदर। सबसे पहला फंक्शन ब्लड का यह है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, के न्यूट्रिशन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट वो किस तरह होती है ब्लड के थ्रू, तो हम कहते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फूड वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर स्टोरेज ऑक्सीडेशन और असिमिलेशन। तो हम कहते हैं ब्लड जो होता है हमारे अंदर वो डाइजेस्टिव फूड वाटर और दीगर जो सब्सटेंसेस अशिया मौजूद होती है जो कि हमारी एलिमेंट्री किनार कि जो हमारे मुंह से शुरू होती है और हमारे एनस से ख़त्म होती है, वहाँ से लेकर वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक उस डाइजेस्टिव फूड वाटर क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस लिए, फॉर स्टोरेज, कि उस फूड को स्टोरेज करने के लिए, या ऑक्सीडेशन या उस फूड की ब्रेक डाउन के लिए, असिमिलेशन या उस फूड जो ब्रेक डाउन हो जाती है फिर उसको असिमिलेट मीन उसको इकट्ठा किस तरह करना है, तो उसे एनर्जी किस तरह हासिल करनी है, तो वो फूड जो होती है फिर असिमिलेट हो जाती है। तो ब्लड का काम क्या है हमने पढ़ा कि वो डाइजेस्टिव फूड को वाटर को और दीगर अशिया को क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम एलिमेंट्री किनार टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ब्लड के जरिए डिफरेंट न्यूट्रिशन जाती है हमारे हार्ट में, जो न्यूट्रिशन जाती है अब हार्ट में खून जाने से पहले उसको क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन क्या अब न्यूट्रिशन है हमारे हार्ट के लिए, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमें सांस लेने में डिफिकल्टी महसूस होगी, तो इससे हमें हार्ट डिजीजेस हो सकती है। दूसरा इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, कि जो वेस्ट सब्सटेंसेस पैदा होती हैं ब्लड उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो हम कहते हैं फ्रॉम द टिश्यूज टू द सेक्रेटरी ऑर्गन्स फॉर देयर डिस्चार्ज, के जो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल हमारे अंदर पैदा होते हैं, जिस तरह के हमारी किडनी के जरिए जो वेस्ट चीज़ें होती निकलती जैसे कि यूरिन वगैरह, यूरिन अब यूरिन जो होता है वो हमारे ब्लड में से हमारे किडनी के ग्लोमेरुलस मौजूद होते हैं, अब ग्लोमेरुलस वगैरह मौजूद होते हैं तो वो क्या करती है किडनी के हमारे खून में से जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं या गंदी चीज वेस्ट मटीरियल होता है उसको यूरिन की फॉर्म में अलग कर लिया जाता है और उस यूरिन को फिर यूरिथ्रा के जरिए उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम कहते हैं जो ब्लड है हमारा वो वेस्ट सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स, कि जो मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स होती है उसको भी ब्लड क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द एरिया ऑफ प्रोडक्शन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उस एरिया से जहाँ पर ये मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स पैदा हो रही है वहाँ से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड। फिर आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, अब हार्मोन्स जैसे क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द टारगेट ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है एक क्या होता है हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि यही वो ग्लैंड है जहाँ से डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं और वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हीट, तो हम कहते हैं जो ब्लड है हमारा टू मेंटेन यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर, हमारा एक बॉडी टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है। फिर आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, के ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है हमारे लंग्स से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की डिफरेंट तमाम पार्ट्स तक, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे लंग्स से बाहर निकाल दी जाती है। तो हम कहते हैं कि हमारे ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है। फिर आगे डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस, कि ये हमारा डिफेंस करता है अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ, बाई फेगोसाइटोसिस थ्रू न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट विच इनगल्फ, जो कि निकल लेते हैं किस चीज़ को, जर्म्स को दैट इंटर द ब्लड स्ट्रीम, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल होते हैं बाई एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन्स, किसके जरिए वो किल कर देता है जर्म्स को, कि उसके अंदर एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होती हैं बाई लिम्फोसाइट्स। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एंटीबॉडीज पैदा होती हैं और एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिर आगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट